नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर निकलते ही बिहार में सियासी हवा का रुख बदल गया है। अब राज्य में राजद और जेडीयू मिलकर सरकार का गठन करेंगे। इस सरकार में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनका साथ देने के लिए अब तेजस्वी यादव भी होंगे। बुधवार दोपहर 2 बजे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वहीं तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार बुधवार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का नया कार्यकाल राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन पर आधारित होगा। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए दोपहर 2 बजे का समय दिया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद कहा कि हमें 7 दलों का समर्थन प्राप्त है। समर्थन पत्र पर सभी ने हस्ताक्षर किए हैं। कुछ निर्दलीय समेत 164 विधायक नई सरकार का समर्थन करेंगे। 243 सदस्य विधानसभा में राजद वर्तमान में 79 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। जेडीयू के 45 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 और भाकपा मारले के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा के 17 विधायक हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।